सो फाइनली वी आर ऑन रामपथ एंड क्रेजी ट्रैफिक के सीन्स हैं भाई यहाँ पे। देखो यार, यहाँ पे डाइवर्जन लगा था, हमें अलाउ नहीं किया वहाँ पे जाने को, और किसी को नहीं अलाउ कर रहे हैं। मतलब सिंगल पर्सन आप पैदल जा सकते हो, भले बाइक से आप नहीं जा सकते हो। और अभी हम लोग जट प्रभजोत से भी मिले थे, लिटरली व्हाट अ हम्बल पर्सन भाई। नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है आपका नए वीडियो में द स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं प्रभु श्री राम लला के दर्शन। अभी मैंने नहाया नहाया नहीं हूँ, और यहाँ पे ना कोहरा बहुत ज्यादा गिर रहा है, ठंडी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं मौसम का क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। बट आज हम चलने वाले हैं अपनी हीरोइन के साथ आपको दर्शन कराने के लिए, और आई एम कम्प्लीटली शोइंग यू द ऑल वे ऑल्सो, मतलब पूरा रास्ता भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे अयोध्या धाम का अब क्या हाल है प्रभु श्री राम के मंदिर के ओपनिंग के बाद। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि मैं दर्शन करने जाने वाला हूँ, और ऐसा कहा जा रहा है कि आज फोन भी अलाउ है, तो मैं चल के आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। फोन अलाउ है तो आपको मंदिर भी दिखा देंगे अच्छे से, जहाँ तक अलाउ रहेगा। बाकी ऊपर वाले मूड में स्विफ्ट होते हैं और हीरोइन के साथ पूरी यात्रा करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन डर लग रहा है, इसलिए 5 कपड़े पहन के जाऊँगा आज, 5 कपड़े। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो, और ये जो बैग है ये देना अभी भाई को, इसमें है कैमरा। अभी को आप लोग जानते होगा, सारा अपने ब्लॉग में देखा होगा। बाइक को कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट और चलते हैं। इसको पहले दुबई को दे देंगे। और ये है मेरे ब्रांड न्यू ग्लव्स जो कि दुबई से आए हैं, एंड इट इज बेसिकली गिफ्टेड फ्रॉम अनस भाई। इफ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच अगेन। सो अपनी ड्रीम कार भी अपने बाएं साइड है, और यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं। खैर, शुरू करते हैं अपनी यात्रा लेके प्रभु श्री राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम। जब भी मोटो ब्लॉग करता हूँ ना, मेरे मन में एक मतलब ये पॉइंट रह जाता है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, स्पीड ज्यादा कर दिया, कहीं आवाज ना फंस रही हो, कुछ ना कुछ दिमाग में लगा ही है। फ्यूल लेने के लिए दिस इज माय फेवरेट टंकी, जहाँ पे हम हमेशा रिफ्यूलिंग करवाते हैं, और आज भी करवाएंगे। पेमेंट अपन ऑनलाइन करेंगे, दैट्स व्हाई मैंने फ़ोन पहले निकाल लिया है। तो जी, रिफ्यूलिंग हो चुकी है, अब चलिए अपनी गाड़ी मस्त ड्राइव करते हैं और पूरे आनंद उठाते हैं रास्ते का। ग्लव्स निकालना पड़ता है फॉर द पेमेंट। बाय द वे, यहाँ पे ये जो दो उंगलियों में टच का सेंसर दिया होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं काहे प्रॉब्लम होती है, उतना फ्लुएंटली आप नहीं चला पाओगे व्हाइल यू आर ड्राइविंग। So let's go guys, unofficial entry करेंगे अपन NH27 पे, because official entry दूर से होने वाली है। unofficial entry करके मस्त गाड़ी भगाएंगे, क्योंकि सीमाएं पूरी सील करी जा चुकी हैं अयोध्या धाम की। और ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कारण ये है सीमा सील करने का, क्योंकि इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं ना एक मुश्त, इन्हें सीमा ही सील करना पड़ा। अरे सीमा ना सील करते तो इतने लोग आ गए थे कि हैंडल नहीं हो पा रहा था। 8,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, सोचिए कितना ज़्यादा श्रद्धालुओं का संख्या हो गया होगा। 8,000 सिर्फ राम जन्मभूमि के आसपास लगाए गए हैं कि जो भीड़ है उसको मैनेज कर पाएं। तो कोहरा बहुत है, रास्ते का मजा लो, और पहुँचते हैं पहले एक पॉइंट पर जहाँ हम पियेंगे मस्त चाय, उसके बाद चलेंगे दर्शन करने के लिए। चाची, एटलीस्ट नॉट ऑन हाईवे, बिकॉज दिस इज हाईवे। जब अयोध्या में एंट्री करेंगे तो ये पॉइंट है शहादतगंज, और शहादतगंज में पता क्या हो रहा है, शहादतगंज में हो रहा है बहुत ही खूबसूरत ओवरब्रिज का निर्माण, जो कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, वॉल इसकी निर्मित हो रही है। इसके जस्ट आगे भी एक है, बट यहाँ पे भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में एक गाँव पड़ता है, अब तो खैर सारा कुछ शहर हो गया, बनबीरपुर नाम करके है।
तो वो अब नगर निगम में आ चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे सब्वे बना के उसका कनेक्शन दिया जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन है लोकल में। क्या हमें चलना है श्री अयोध्या जी, लेकिन उससे पहले चाय जरूरी है। चाय के लिए स्टेशन चलना है, और स्टेशन चलने के लिए बेस्ट रास्ता बहुत हो सकता है, बट हम मेन रास्ता आज यूज करेंगे क्योंकि दैट इज लॉन्ग वे, बट आज करूँगा जैसे आपको दिखाऊँ। तो अभी हम लोग लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट जाना है इसलिए क्योंकि वहाँ पर रामपत है। फूल सजा हुआ देख रहा है ना, ये सारा फूल उसी दिन का सजा हुआ है जिस दिन प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, एंड बेसिकली उसी ओकेजन के लिए यहाँ पे इसे सजाया गया था। पेट्रोल पंप भी सजाया गया भैया, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोटा हो, बेहतरीन ढंग से पूरा शहर ही सजा दिया गया था। गाइस क्रेजी सीन्स, गाइस क्रेजी। और सुनना भी आया है कि यहाँ पे बाबू भैया भी आए हैं आज, यानी कि UK 07 राइडर दुगो थार जात बा। अब ये हम लोग जो शुरू कर रहे हैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, ये लोग तो अभी हम लोग आ चुके हैं रामपथ पे। दिस इज बेसिकली रामपथ, यानी कि जो प्रभु श्री राम के मंदिर में ले जाने वाला पथ है, और 13.94 किलोमीटर लंबा, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर कह सकते हो, मतलब वर्ल्ड क्लास रोड बनाई गई है भाई, मानना पड़ेगा आपको। और देखो डिवाइडर पे अभी जल्दी ही हरे घास के पौधे वगैरह लगाए गए हैं जिससे सुंदर लगे, और राइट साइड में कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत बने घर तो दिख ही रहे होंगे। सबसे जो खास बात मुझे लगी वो ये लगी कि यहाँ पे भगवा कलर के बैलून्स भी लगाए गए हैं, देखो। तो यही सब है जो आदमी ध्यान रखता है। सूखा कचरा गीला कचरा किसको डाल दें बताओ। हमको तो ये अल्टो भी मॉडिफाइड लग रही है भाई, नहीं ये दूसरी वाली है, नहीं मॉडिफाइड तो है यार, इसके व्हील्स अलग टाइप के हैं, मैं पहले बोल रहा था, मुझे लग ही गया था कि मॉडिफाइड है। चलो पहुंचते हैं। सो दिस इज द स्टेशन रोड गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं। आइए आपको पिलाते हैं बढ़िया सी चाय। एक्चुअली यहाँ ना हमें एक मित्र ने इनवाइट किया है चाय के लिए, आपको इस मित्र से भी मिलवाएंगे। बहुत चर्चित आदमी है, आप लोग जानते होंगे, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है उनकी ऑडियंस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मतलब 30-40% तो सेम है ही है। तो चलो मिलाते हैं आपको, आप भी एक्साइटेड हो गए मिलने के लिए। आहाओ गाइस, गाइस हमारी रोडें कितनी अच्छी हो गई हैं गाइस, आई कैन बिलीव गाइस, ये मेरा अयोध्या कैसा हो गया गाइस। मैं कभी कभी सच में डांस वांस करने का भी स्टोरी डालता हूँ, तुम चाहे देखते नहीं होगे तुम लोग भाई, मेरे को बहुत खुशी होती है, इतना चेंज हो गया है, मतलब इतने की तो उम्मीद थी नहीं ना। एयरपोर्ट बन गया है, फ्लाइट पर बैठ गए, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बहुत कुछ। तो मित्रों हमारी चाय आ चुकी है, और साथ ही साथ चाय की ट्रीट देने वाले अभिषेक टीटू भैया। हेलो हेलो हेलो, आप लोग पहचानते होंगे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, जो अगर जो भी बची है जो देख रही है वीडियो वो अभिषेक भैया को जानते होंगे, और ये भी हैं अभिषेक, इनका भी यूट्यूब चैनल है। बाकी चाय के टेस्ट की बात करें तो भैया जैसे कह रहे थे, मतलब इतना दिन से बोल रहे थे कि यहाँ की चाय इतनी अच्छी है, वास्तव में उतनी ही अच्छी है। मतलब अभी तक मैं बोलूं एक चाय और मैं बोल सकता हूं उसके टक्कर की, वहां अयोध्या जी में आने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह चौक स्टेशन जाने वाली रोड अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, लेकिन अयोध्या धाम स्टेशन में चले जाना। वक्त आ चुका है भैया को बाय करने का, बाय भैया। बाय बाय। तो गाइस चाय पी के हम निकल चुके हैं आगे की, और एक थोड़ा सा सैड न्यूज़ हमें मिली है, वो ये है कि आज शायद प्रभु के राम मंदिर में फोन अलाउ नहीं है। भैया मस्त भंडारा चल रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी सब्जी, देखो भैया लेके आ रहे हैं, मतलब भंडारा की पूरी सब्जी देने में मैं कहता छोरी लें एकदम, क्योंकि सामने तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लगता किसी के हाथ से ले लें, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। वहाँ भी भंडारा चल रहा है शायद आप देख पाए हो, बाकी मतलब कहीं ऐसा लोकेशन नहीं है जहाँ पे भंडारा ना चल रहा हो आज के दिन, आज के दिन इवन, जबकि आज बुधवार है ना, ट्यूसडे है ना, आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा को हुए 2 दिन हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मस्त एक यहाँ पे भी चल रहा है देखिए, मतलब तीसरा है ये ऑन द वे, तीसरा भंडारा में मिला है, मानना पड़ेगा गुरु अयोध्या जी आए हैं तो आप मस्त घूम घूम के लंगर खाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको, एंड नो इश्यू ऑफ दैट थिंग कि
गरम नहीं होगा क्योंकि मस्त गरम पूरी सब्जी खाई है। ब्यूटीफुल व्यू, लिटरली व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू आप देख सकते हो यहाँ पे। हमने आपको क्या ही भव्यतम नजारा दिख रहा है और पुलिस वाले अंकल वहाँ पे चालान काटते भी दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल व्यू, फिर से मैं कहूँगा वही बात, देश चुनौतियों से परेशान नहीं है मित्रों। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ पे डायवर्जन भी लगाया गया है। बाहर की जो गाड़ियाँ हैं आज उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि कल भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ भी देखिए एक लंगर चल रहा है, यहाँ पे चाय पकौड़ी आदि इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिलेगी। एक भवन के रास्ते पर, क्योंकि हम लोग ना मेन रास्ते से जा रहे थे जन्मभूमि पथ पे और वहाँ पे डायवर्जन लगा था, हमें अलाउ नहीं किया वहाँ पे जाने को और किसी को नहीं अलाउ कर रहे हैं। मतलब सिंगल पर्सन आप पैदल जा सकते हो, भले बाइक से आप नहीं जा सकते हो, पैदल भी रोक रहे हैं वहाँ पे। तो जिस जगह से हम डाइवर्ट किए गए हैं कि बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो भाई कुछ इस प्रकार का माहौल है अयोध्या में, आप देख लो। और ये वो गली है जहाँ पे शायद से कोई होता था इस टाइम पे। अभी दोपहर के 2:21 हो रहे हैं और इस टाइम पे कोई नहीं होता था इस गली में, और आज देखो क्या स्थिति है भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक लग रहा है हर जगह पे। श्री राम भगवान के मंदिर के मार्ग पर, और ये है मुख्य मार्ग प्रभु श्री राम के मंदिर का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कस भी दिखाया जा रहा है मस्त। और राइट साइड लेफ्ट साइड आप किधर भी देखोगे, शाम हो रहा है धीरे धीरे, इस वजह से थोड़ा मतलब हेज है, कोहरा है। और कोहरा के चलते चलते आप एक बात नोटिस करोगे, शाम का 4:20 हो रहा है, मस्त यहाँ पे भीड़ हो गया भाई। मतलब श्रद्धालुओं का इतना भीड़ है भारी भरकम। और अभी हम लोग जट प्रभजोत से भी मिले थे, लिटरली व्हाट अ हम्बल पर्सन भाई। फोटो देखो, मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एज अ क्रिएटर मुझे पता है कभी कभी इनकम्फर्टेबल होता है आदमी व्हाइल यू आर ऑलवेज रिकॉर्डिंग, तो आप किसी को व्लॉग में ले लो डायरेक्ट ऐसे। खैर लेकिन बहुत हम्बल आदमी थे, कसम से बता रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत हम्बल। अगर हम चाय का भी भंडारा चल रहा है, प्रभु श्री राम के दर्शन जब आप करने जाओगे, मतलब हर प्रकार की व्यवस्था, नाश्ता लंच डिनर सपर फल फ्रूट सब मिले भैया तुमका यहाँ, हर व्यवस्था से लैस है हमारी अयोध्या। आओ मस्त आनंद उठाओ। देख सकते हैं अभी हम लोग चल रहे हैं श्री राम पथ पे, और राम पथ पे चलने का जो आनंद है उसकी अनुभूति आप लें फिलहाल, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स जला दी गई। और जो सबसे खूबसूरत पैटर्न ये है कि नीचे भी स्ट्रीट लाइट्स में लाइट्स हैं, और ये कोई आम बात नहीं है भाई, मतलब लिटरली बहुत कम ऐसा होता है। आप जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट्स आपने देखी होंगी, ऊपर तो सब जगह लाइट रहती है, नीचे हो दिस इज यूनिक। तो जी अब आप बहुत कोशिश करी हमने मतलब कि आपको दर्शन करा दे, बट हाँ प्रभु श्री राम की इच्छा शायद नहीं होगी। इच्छा तो किसकी किस जो है गार्जियन की नहीं होती कि अपने बच्चों को वो दिखें, बट आई थिंक सो कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, नॉट एबल टू दर्शन एंड आपको भी नहीं करा पाया क्योंकि फोन की एंट्री भी नहीं थी और मैं जा भी नहीं पाया खुद भी। तो नेक्स्ट टाइम होप फॉर बेटर। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नए नहीं रह जाओ, पुराने हो जाओ, अपने बन जाओ। और मिलते हैं आपको ऐसे किसी खूबसूरत ब्लॉग में, और इंस्टाग्राम का आईडी बीच में आया था, डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड फॉलो, थैंक यू। और हाँ ब्लॉग डेली आता है तो आप सब्सक्राइब कर लोगे जब, तो आप रोज देख सकते हो वीडियो। फिलहाल आज का ब्लॉग लेट हुआ है अपलोड करने में, 9:52 हो चुका है, बट अब से डेली ब्लॉग 10 बजे आ जाएगा, सुबह के 10 बजे ये टाइम मेरे लिए। चुप रहता मनी तुझे चुप रखता, हर जगह से पैसा आता, हर बैंक में खोलू खाता, अंबानी के एंटिल्ला में खोल देंगे पेंटी खाना, पैसा इतना ज्यादा है कि कमा के मैं सेंटी होता, आया पैसा गया पैसा ज्यादा आया।